आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में बड़ा एक्शन, एडीएम और डिप्टी एसपी पर गिरी गाज। उत्तरकाशी के दो बड़े अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन पर लाठीचार्ज के बाद की गई। उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा वन्य जीव तस्कर, हिरण के पंजे और कस्तूरी बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक वन्य जीव तस्कर को हिरण के पंजे और कस्तूरी के साथ गिरफ्तार किया है। शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हुए बाबा तुंगनाथ। भगवान तुंगनाथ की जल विग्रह डोली का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड में जल तैयार होंगे 5000 पंचायत भवन, सभी एक रंग में आएंगे नजर, ये है वजह। कलर कोडिंग वाले पंचायती भवन का मॉडल डिजाइन तैयार, केंद्र के साथ राज्य सरकार भी करेगी मदद। दो दिन टिहरी में रहेगी पासपोर्ट मोबाइल वैन, जल्द ले अपॉइंटमेंट ऐसे उठाएं लाभ। दो दिन टिहरी में रहेगी पासपोर्ट मोबाइल वैन, हर दिन होंगे 50 अपॉइंटमेंट। उत्तराखंड में हेली सेवा विस्तार, दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का उद्घाटन, ये दो हिल स्टेशन से भी जुड़े। सीएम धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया, इसके साथ ही दो हिल स्टेशन भी जुड़े हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश को हेली कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार से दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा, देहरादून जोशियाड़ा और देहरादून गोचर हेली सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। विमान सेवा और हेली सेवा के उद्घाटन में उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बस अड्डे के पास गुलदार की दिखी चहलकदमी, लोगों में दहशत का माहौल। श्रीनगर में बस अड्डे के पास गुलदार की चहलकदमी नजर आई है, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बॉबी पवार मीनाक्षी सुंदरम विवाद में कूदा आईएएस एसोसिएशन, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बॉबी पवार पर लगाए दुर्व्यवहार का आरोप, बॉबी पवार ने भी रखा अपना पक्ष। युवक ने विवाहित महिला से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, फिर वीडियो से करने लगा ब्लैकमेल, मुकदमा दर्ज। वीडियो वायरल करने की देता है धमकी, अभी तक ऐंठ चुका है हजारों रुपए, महिला ने पति को बता दी सारी बात। उत्तराखंड स्थापना दिवस प्रवासी सम्मेलन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, मंथन कैसा रहा राज्य का 24 साल का सफर। उत्तराखंड राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस सादगी से मना रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुहाने रास्तों पर डरावना सफर, खस्ताहाल रोडवेज बसों में यात्रा करने के लिए मजबूर है पहाड़ के लोग। उत्तराखंड परिवहन निगम के पिथौरागढ़ डिपो की 56 पुरानी बसें खस्ताहाल हैं। ये बसें स्टेशन से चलने के बाद कहां पर रुक जाए ये कहना मुश्किल है। पहाड़ के लोग इन खस्ताहाल बसों में सफर करने को मजबूर हैं। हाथ जोड़ गिड़गिड़ाता रहा बदमाश, एसएसपी ने दी चेतावनी, कहा बदमाशों की गोली का जवाब उनकी ही भाषा में देगी खाकी। पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। दो महीने पहले पीपल पड़ाव रेंज के जंगलों में वनकर्मियों पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा मुख्य अभियुक्त गदरपुर में हुई पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। फिर होगी महापंचायत, जिद पर अड़ा विश्व हिंदू परिषद, प्रेस वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। एनएसजी कमांडो की गोली लगने से मौत, बेटे से एक दिन पहले आखिरी बातचीत को याद कर मां बेसुध, 19 नवंबर को होनी थी शादी। एनएसजी कमांडो को दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक का पार्थिव शरीर आधी रात बाद पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। आज गुरुवार को सैनिक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली पिथौरागढ़ के लिए विमान सेवा शुरू, यात्रियों को लेकर पहुंचा जहाज, फूल माला पहना कर किया स्वागत। फाइनेंस कारोबारी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत, दोस्त से मिलने के लिए गए थे रुड़की में, एक फाइनेंस कारोबारियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले में मृतक के दोस्त को हिरासत में लिया गया है, साथ ही उसकी पिस्टल भी कब्जे में ली है। एसटीएफ ने तस्कर के पास से पकड़े हिरण के दो पैर और कस्तूरी, लाखा मंडल से खरीद कर लाया था। गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों से मिले सीएम धामी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा।
एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तरकाशी पहुंचे थे सीएम धामी। कलेक्ट्रेट सभागार में पदाधिकारियों से की मुलाकात।